नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इस बार प्लस टू के रिजल्ट्स ने काफ़ी चौंकाया है। चंडीगढ़ के बच्चों ने इस बार दिल्ली के बच्चों को भी फेल किया है। हाँ, आइए हम मिलते हैं दो ऐसे ही बच्चों से जिनके पेरेंट्स भी टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बावजूद उसके उन्होंने खुद की मेहनत की, मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इवान शर्मा से। इवान ने सेंट एन 32 में मेडिकल से 93.4% लिए हैं। इवान थोड़ा सा बताएंगे। मैंने मेडिकल फील्ड से अपने सेंट एन स्कूल से मेडिकल करी है और 93.4 आया मेरे, जैसे आपने बताया, तो अच्छा लगा। और सबको मैं ये कहूँगा कि इन दो सालों में प्लस टू में आप कोई भी फील्ड में हो, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने अपने सब्जेक्ट्स में। जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो और कंसिस्टेंट रहो। तो जैसे पीछे कोरोना के कारण काफ़ी कुछ ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन हुई, तो उसमें कुछ डिफरेंस रहा स्टडी में, उसमें आपको मुश्किल आई या आसान रहा? मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती हैं एक बच्चे के लिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन जाके आपके अपने दोस्तों के साथ मिलने को मिलता है, तो आप काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हो, टीचर से भी बेटर इंटरेक्शन होती है आपकी। वेयर एज ऑनलाइन में आप अकेले होते हो, आपको सिर्फ ऑनलाइन सुनने को मिल रहा है, आपको बहुत उतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं होती। तो वो स्टार्टिंग का प्लस वन का एक साल मेरे को मुश्किल लगा, लेकिन प्लस टू में थोड़ा ऑफलाइन हो गया था तो उसमें बेटर हो गया था। तो स्कूल के साथ साथ आपने कुछ कोचिंग भी रखी है इसके लिए? हाँ जी, मैं एलएन इंस्टीट्यूट में था, वहाँ पे मैंने कोचिंग अपने साथ में करी थी। तो अभी फर्दर फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? अभी मैंने नीट का पेपर दिया है, तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा MBBS उसमें मिलती है। अगर वो नहीं हो पाया तो मेरे को बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वहाँ से मैं BSc कोर्स कर सकता हूँ। तो आपके मम्मी GCG 11 में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी तरफ से एक हेल्प मिली काफ़ी? उनकी तरफ से सब्जेक्ट वाइज तो बहुत हेल्प नहीं मिली, क्योंकि उनका सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन अदरवाइज़ वो टीचर हैं, तो उनको एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी पता है कि वो किस हिसाब से क्या कुछ सोचते हैं इस पीरियड में, तो वैसे उन्होंने मॉरली काफ़ी सपोर्ट किया। तो ऐसे ही हम मिलते हैं दीक्षा सिंह से। दीक्षा सिंह ने गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 35 से ह्यूमैनिटी में प्लस टू की है, जिसमें इन्होंने 94.4% लिए। दीक्षा, ह्यूमैनिटी क्यों चूज़ किया आपने? सर, पहली बात तो ये कि हमारे सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा है कि ह्यूमैनिटी सिर्फ वही बच्चा लेता है जो ऐसे पढ़ाई में अच्छा नहीं, अगर तुम पढ़ाकू हो तो तुम नॉन मेडिकल क्यों नहीं लेते, मेडिकल क्यों नहीं लेते। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी बात नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ में आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अगर IAS ऑफिसर्स देखोगे या कोई भी बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स देखोगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ करके आगे आए होते हैं। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ इसलिए चूज़ किया क्योंकि फर्स्टली मेरा जो मेन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, वो ह्यूमैनिटीज़ में ही है। इसी के साथ साथ और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं और बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है जो आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ सकते हो और कवर कर सकते हो, तो इसलिए मेरे लिए तो ह्यूमैनिटीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और इसलिए मैंने लिया। जैसे आपके मदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमी के, तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया था कि कुछ इसमें नॉन मेडिकल या मेडिकल के लिए ट्राई करो? मेरे मदर ऑल्दो वो टीचर हैं, बट वो मेरी स्टडीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ओपन है, तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे से यही बोला कि जो आपका इंटरेस्ट है आप हमेशा वही पढ़ो, क्योंकि अगर आप कोई अपने इंटरेस्ट का बाहर का सब्जेक्ट लेते हो और आपसे वो नहीं पढ़ा जाता तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता लेने का। तो इससे अच्छा आप अपना इंटरेस्ट पढ़ो, उसको अच्छे से करो, ताकि उसका रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल मिले। तो इसलिए मेरे मदर ने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया कि नहीं, अगर तेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो यही कर, भी फिर तेरे को ऐसे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा आगे जाके उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। वही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको क्या दिक्कतें आईं, ऑफलाइन ठीक रहा या ऑनलाइन ठीक रहा? जैसा इवान ने कहा कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, आप अटेंटिव रहते हो अपने इंटरेक्शंस में टीचर के साथ और अच्छे से समझ पाते हो, जो चीज़ ऑनलाइन में आपको नहीं मिलती है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी स्टडीज़ को लेके पूरा पैशनेट हो तो आपको फ़र्क इतना नहीं पड़ता, ऑल्दो एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो आपको स्कूल में मिलता है वो आपको घर पर नहीं मिल सकता। जैसे कि इसने भी कहा कि 11th में बहुत मुश्किल आई, हमें इतना नहीं पता चला कि क्या स्टडीज़ हुई, किस वे में करना था, बट 12th तक आते आते काफ़ी कुछ समझ आ गया। और ऑफ कोर्स ऑफलाइन जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से, बट अगर आप खुद, आपको एट द एंड ऑफ द डे तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा जो आपने करना है, तो इसलिए उसको अच्छे से करो जो आप खुद कर रहे हो, बाकी तो आपके रिजल्ट्स उसी अकॉर्डिंग आएंगे।
पिछले कुछ सालों से लड़कियां लड़कों से बाजी मारती जा रही हैं, इस बार भी लड़कियों ने अच्छी बाजी मारी है, इसका क्या कारण है? क्या लड़के स्टडी में थोड़ा पीछे रह रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लड़के पीछे रह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने तो अच्छा अचीव करना है वो कर ही लेते हैं, उनको ऐसे कंपटीशन नहीं है। ये एक हेल्दी कंपटीशन में देखें तो इसको ज़्यादा बेहतर होगा। बट लड़कियां मैं कहूँगी कि उनको एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है कि नहीं पेरेंट्स भी हैं, ये भी हैं। ऑल्दो लड़कों को भी होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स जो हैं थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली सोचती हैं, थोड़ा ज़्यादा ऐसे इमोशनली थोड़ा होती हैं, तो उनको पेरेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। तो फिर उस वे में मैं पर्सनली उस वे में देखती हूँ कि नहीं, मम्मी पापा के लिए करना है, थोड़ा अच्छे से करेंगे, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स थोड़ा कर लेती हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि लड़के थोड़े सा पिछड़ रहे हैं लड़कियों से? मेरे हिसाब से इसका रीज़न ये है कि इंडिया में एज इन फ्रीडम देखी जाए तो लड़कों को ज़्यादा मिलती है, उस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इसने कहा कि नेचुरली लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है, मोर ओवर उनको फ्रीडम नहीं मिलती तो उनको ज़्यादा टाइम इसमें देने को मिल जाता है। और ये मतलब थोड़ा हमारी पेट्रियकल सोसाइटी का भी इसमें रीज़न हो सकता है, लेकिन यही रीज़न है कि मोर फ्रीडम इज़ गिवन टू बॉयज़ और उनको ज़्यादा आप इन्जॉय करने देते हो, और उनके कम नंबर भी आए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी होती तो उनको ज़्यादा कहा नहीं जाता, इस वजह से मेरे को लगता है कि ज़्यादा हमेशा गलत हो जाती हैं। दीक्षा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तक तो मेरा फ्यूचर प्लान साइकोलॉजिस्ट ही है, बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो मेरा मेन इंटरेस्ट का फील्ड है। इसके अलावा मुझे म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो अगर उसमें भी चांस मिलता है तो मैं ट्राई करना चाहूँगी। तो ये थे चंडीगढ़ के होनहार बच्चे, जिन्होंने अपनी कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश, चंडीगढ़ के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।